मैसेज आ गए हैं? जय हिंद दोस्तों। और पहली क्लास थी तो थोड़े जानबूझ के लेट से शुरू किया हम लोगों ने, और एक बार रिप्लाई कर दें, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, पिक्चर्स क्लियर है नहीं है, वीडियो क्लियर है नहीं है, और ये कंप्लीट जीएस के बैच के पर्पज़ से शुरू किया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इकोनॉमिक्स लगातार वीक में 3 दिन कंटिन्यू करूँगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर। क्लासेस में आप शुरू सामने होते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ के शुरू कर रहे होते हैं, यहाँ वन वे सिस्टम अपडेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन पे आप हमें बताइए, रिपीट कीजिए। तो बच्चों एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग क्या है इसका, किस सेक्टर में हम डील करता है, ये क्षेत्र क्या है, ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो पहला और बेसिक सा पॉइंट कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का, किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये बच्चों एक ग्रीक वर्ड है या यूनानी शब्द है, और ग्रीक में इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है, अर्थशास्त्र का जो मतलब है, वो है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र का प्रबंधन। तो ये तो हो गया कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थशास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। तो ये हमने कहा कि घर के मैनेजमेंट की बात करता है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ घर के मैनेजमेंट की बात करता है, तो जवाब है कि नहीं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम इसके बियॉन्ड भी जाकर के हम स्टडी कर रहे हैं, तो खैर आगे सीखेंगे। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक भाषा का वर्ड है, यूनानी शब्द है, और इसका अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस। दूसरा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, पिता कौन है, तो ये बच्चों एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक्स वहीं से शुरू हुआ। तो क्वेश्चन है कि क्या 1776 से पहले इकोनॉमिक्स नहीं था, जवाब है कि नहीं था। तो कई बार क्वेश्चन होता है किस भाषा का, सॉरी किस सब्जेक्ट का पार्ट था, तो आप में इसको बताते हो कि इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट में पढ़ाई की जाती थी। तो बच्चों शुरू में इकोनॉमिक्स वाज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये राजनीति विज्ञान का अंग हुआ करता था। बाद में हमने एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट के रूप में इसको एडम स्मिथ के द्वारा लॉन्च किया है। तो दो बातें हमने सीखी, पहला कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का वर्ड है, और दूसरा इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। ले बच्चों वही मेन क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं, तो उस चीज़ को जानने के लिए एक हम हेडिंग डाल सकते हैं, बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाएं, बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रियाएं क्या क्या हैं। और यदि हम उन दोनों को एक्सप्लेन करने में सक्षम रहें तो हम बता पाएंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बच्चों हम चार एक्टिविटी को बेसिक एक्टिविटी में लेके चल रहे हैं। वन इज प्रोडक्शन, उत्पादन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट, निवेश, दोस्तों थर्ड
वन इज एक्सचेंज, विनिमय, एंड फोर्थ इज कंजप्शन, उपभोग. तो हम इन चार एक्टिविटी को बेसिक एक्टिविटी में लेकर चल रहे हैं. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड एज अ बेसिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स, या निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र की मूलभूत क्रिया नहीं है. तो बच्चों इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में हम हटा सकते हैं. तो हमने कहा कि चार एक्टिविटी को हम बेसिक एक्टिविटी में रख रहे हैं. अब हम इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दें तो ये हम इजीली बता सकेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो हमने कहा कि पहले तो हमें बेसिक एक्टिविटी में किसको किसको रखेंगे, तो चार को, और इन चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. तो पहला आज ये बच्चों प्रोडक्शन, उत्पादन. तो उत्पादन होता क्या है, प्रोडक्शन कहते किसे हैं. उत्पादन, प्रोडक्शन. देखें इकोनॉमिक्स के टर्म में जो प्रोडक्शन का मतलब है वो थोड़ा सा टिपिकल है, और जनरल टर्म में क्या है वो हम इजीली समझते हैं. तो जनरल टर्म में हम कुछ भी जो हम यूज कर पाए हम इकोनॉमिक्स के रूप में, लेकिन प्रोडक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स करता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का निर्माण उत्पादन कहलाता है. अब बच्चों ये चैप्टर हमें आगे डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ से दो तीन पॉइंट सीख लेते हैं. जैसे अभी इस बार CHSL में क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु का प्राइस किस पर डिपेंड करता है, किसी वस्तु की कीमत किस पर निर्भर करती है. तो बच्चों किसी वस्तु की कीमत निर्भर करती है उपयोगिता पर. दूसरा क्वेश्चन आता है कि उपयोगिता होती क्या है. तो बच्चों सामान्य बोलचाल में हम किसी वस्तु के या सर्विस के सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को उपयोगिता के रूप में डिफाइन करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने गोलगप्पे खाए तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला दैट इज यूटिलिटी. हमने पढ़ाई की जो हमें खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी. हमने कोई कपड़ा खरीदा, हमने यूज किया, जो सेटिस्फेक्शन मिला, यूटिलिटी. तो अब हम आगे सिखाएंगे कि जिस वस्तु से जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस वस्तु का उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा. तो ये एक टिपिकल डिफिनेशन है कि उत्पादन में क्या होता है. तो किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि उपयोगिता के रूप में डिफाइन की जाती है. अब सामान्यता समझते हैं. तो सामान्य शब्दों में हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है. तो हमने कहा कि उत्पादन दो चीजों का होगा, या तो वस्तु या तो सेवा. और उसी को सामान्य शब्द में इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जब कोई वस्तु या सेवा बनाई जाती है तो जो उसे सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिलती है उसी को हम प्रोडक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं. तो इसको तो अभी भूल जाए. हमने कहा कि जब भी उत्पादन की बात होगी तो या तो वस्तु या तो सेवा की बात होगी. अब साथियों थोड़ा सा इनके बारे में सीखते हैं कि गुड्स या सर्विस में डिफरेंस क्या होता है. पहले से यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, लेकिन अभी पिछले एक दो सालों के पेपर देखेंगे तो मेन क्वेश्चन यहीं से उठाने लगे हैं. ये बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये हमारे NCERTs में भी दिए गए हैं. तो देखो बच्चों हम सामान्यतः सब समझते हैं कि वस्तु या सेवा क्या है. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्जाम्पल होगा सर्विसेज का. आपके पेन, कॉपी, कपड़े एग्जाम्पल होंगे गुड्स के. हॉस्पिटल एग्जाम्पल होगा सर्विसेज का. बैंकिंग एग्जाम्पल होगा सर्विसेज का. इंश्योरेंस एग्जाम्पल होगा सर्विसेज का. और हमने कहा कि
ये बोर्ड एग्जाम्पल होगा वस्तुओं का, तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं कि गुड्स आर टेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श किया जा सकता है, एंड गुड्स आर विजिबल, वस्तुएं दिखाई देती हैं, बट सर्विसेज आर इनविजिबल, सेवाओं को देखा नहीं जा सकता, एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल, सेवाओं को स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो हमने सामान्य कहा कि जो वस्तुएं, जो सर्विसेज महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये एक सामान्य सा डेफिनेशन है कि गुड्स आर टेंजिबल बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल, वस्तुओं को स्पर्श कर सकते हैं, सेवाओं को स्पर्श नहीं कर सकते, एंड गुड्स आर विजिबल एंड सर्विसेज आर इनविजिबल, वस्तुएं दिखाई देती हैं, सेवाएं दिखाई नहीं देती। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मेरी कही गई बातें आपको समझ में ना आए, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं? जवाब है नहीं। बच्चों मान लीजिए हम आपको ये डस्टर दें तो ये दिखाई भी देगा, स्पर्श भी किया जाएगा, तो ये हम वस्तु के रूप में डिफाइन करेंगे और ये हम सर्विसेज के रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिक सा अंतर है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, जैसे किसी बैच में किसी बच्चे ने पूछा कि सर आई कैन विजुलाइज एक्ट्रेस, मैं किसी हीरोइन को देख सकता हूँ, बट आई कॉन्ट टच हर, परंतु मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। तो ये वस्तु होगा, सेवा होगा, क्योंकि दिखाई देना वस्तु का एग्जाम्पल है, स्पर्श न कर पाना सर्विसेज का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि ये किस में आएगा, कोई हीरोइन दिखाई तो देती है लेकिन स्पर्श नहीं हो पा रही, तो या तो वस्तु या तो सेवा, क्या होगा? गुड, हाँ नहीं, लिविंग थिंग्स को हम गुड्स और सर्विस में नहीं बांट सकते। सिंगर के द्वारा की गई सिंगिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, टीचर के द्वारा की गई टीचिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज, लेकिन टीचर एज ए इंडिविजुअल ना ही वस्तु है ना ही सेवा है, तो हम लिविंग थिंग्स को गुड्स और सर्विस में नहीं बांट सकते। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था, DSSB का है, CDS में भी रहा ऐसा क्वेश्चन कि किसी जल बोर्ड के द्वारा, उन्होंने जो एग्जैक्ट ऑप्शन दिया था, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा हमारे घरों में की गई जल की आपूर्ति इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और नाइदर, यानी कोई जल बोर्ड है वो हमारे घरों में जल की आपूर्ति करता है, तो ये वस्तु का एग्जाम्पल होगा, सर्विसेज का एग्जाम्पल होगा, या वस्तु का सर्विस दोनों का, या दोनों में से किसी का भी नहीं? और किसी बच्चे को पढ़ना है तो संदीप बुला लो, थोड़ा सा ठीक सा हो जाए। हाँ बताएंगे सर, दोनों। तो पहले तो एक दिमाग में रखना है कि कोई भी या तो वस्तु होगा तो सर्विस होगा, दोनों नहीं होगा। अब हम ऐसे रखें कि सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु की आपूर्ति, यह हमेशा एग्जाम्पल होगी सर्विसेज की, सेवाओं की। तो जैसे ऐसे बोले हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सप्लाई, यह सर्विस होगा। किसी रेस्टोरेंट के द्वारा हमारे घरों पर फूड की सप्लाई, सर्विस होगा। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सर्विस होगा। तो जिसको भी हम सप्लाई की बात करें वो सारा का सारा सर्विसेज में आएगा। तो दो बातें अब तक हमने सीखी कि प्रोडक्शन दो चीज़ों का होगा, वस्तु का सेवा का, और ये बेसिक सा ही है, लगभग आप जान रहे हैं। थोड़ा जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट था हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो उत्पादन के कारकों को बच्चों हम दो पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के प्राथमिक कारक, और दूसरा सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के द्वितीयक कारक। तो बच्चों हम प्रोडक्शन के प्राइमरी फैक्टर में चार चीज़ों को रख रहे होते हैं। पहला
लैंड भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी, और चौथा एंटरप्रेन्योर उद्यमी। दीज फोर फैक्टर आर नोन एज प्राइमरी फैक्टर। इन चार कारकों को हम प्राथमिक कारक में रखते हैं। इनके अलावा बच्चों हम जो कुछ भी जानते हैं वो सारा का सारा हम सेकेंडरी फैक्टर में रखते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वाटर की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, सारे के सारे सेकेंडरी फैक्टर के एग्जांपल। तो अब प्रश्न है कि प्राइमरी फैक्टर में कौन होता है और सेकेंडरी में कौन होता है। तो बच्चों बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आरंभ करने के लिए जो चाहिए होता है वो हम रखते हैं प्राइमरी फैक्टर में, और बिजनेस को रन करने के लिए, संचालित करने के लिए जो रखते हैं वो होता है सेकेंडरी फैक्टर। जब भी हमसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो प्राइमरी फैक्टर ही पूछते हैं। जैसे लास्ट ईयर MTS में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी, कौन सा फैक्टर और प्रोडक्शन नहीं है, और यहाँ लेबर हटा करके मशीन दिया गया। तो हम जब भी आपसे पूछेंगे तो हम बच्चों प्राइमरी फैक्टर ही पूछ रहे होंगे। तो ये तो हुआ एक, तो फैक्टर और प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो हमने कहा दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा होता है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इधर से, कि जब हम किसी भूमि को यूज करते हैं, लैंड को यूज करते हैं, तो हम उसके बदले में क्या दे रहे होते हैं। यदि आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं, भूमि के बदले में क्या देते हैं, लेबर के बदले में क्या देते हैं। मनी तो हर जगह दे रहे हैं, उस मनी का नाम क्या है, कैपिटल के बदले में, एंटरप्रेन्योर उद्यमी। कोई क्वेश्चन है देखना, आवाज क्लियर नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या आवाज में कहीं कोई दिक्कत है। क्या रिप्लाई आया, अच्छा आंसर दे रहे हैं। हमने पूछा आवाज में कोई दिक्कत हो बच्चों, वॉइस में क्लियरिटी ना हो, आया कोई हो, मैं क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, आवाज कम आ रहा है, गूंज रहा है। आवाज क्लियर है, थैंक यू। हाँ थोड़ा आवाज लाउड रखेंगे। तो हमने कहा जब हम किसी भूमि को यूज करते हैं तो उसके बदले में क्या पे करते हैं, तो बच्चों हम उसके बदले में पे करते हैं रेंट, लगान। तो ये तो वह बेसिक सा क्वेश्चन कि लगान किसके लिए देते हैं, तो हम अब एग्जाम में कह देंगे कि भूमि के लिए देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को टिपिकल करना हो, टफ करना हो, तो क्वेश्चन है कि लगान किस पर डिपेंड करता है, रेंट डिपेंड्स अपॉन, लगान निर्भर किस पे करता है। तो ऑप्शन है बच्चों साइज ऑफ लैंड, भूमि के आकार पर, ऑप्शन है डिमांड ऑफ लैंड, भूमि के मांग पर, ऑप्शन है सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि के आपूर्ति पर, और ऑप्शन है इफिशियंसी ऑफ, सॉरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता पर। तो कोई आप में से आंसर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हमने पूछा लगान किस पर निर्भर करता है, साइज ऑफ लैंड, डिमांड ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ लैंड और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। एक जवाब आ रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, भूमि की उत्पादकता पर।
तो बच्चों ध्यान से देखें तो चारों पे डिपेंड करता है, साइज पे भी, डिमांड पे भी, सप्लाई पे भी, लेकिन सबसे मेन क्या है? तो बच्चों इसका जवाब होगा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता का सामान्य मतलब है मिलने वाला रिटर्न। जिस भूमि से जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उसका रेंट उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है लेबर। लेबर को क्या देते हैं बच्चों हम? तो लेबर को हम देते हैं वेजेस, मजदूरी। तो बच्चों मजदूरी किस पे डिपेंड करती है? टाइम ऑफ लेबर, श्रमिक के द्वारा दिए गए समय पर, डिमांड ऑफ लेबर, श्रमिक के मांग पर, दूसरा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, भूमि के उत्पादकता पर, सॉरी लेबर के उत्पादकता पर, और चौथा एफिशिएंसी ऑफ लेबर, श्रमिक के योग्यता पर। तो बच्चों इसका जवाब होगा एफिशिएंसी, योग्यता। हाँ ये अलग बात है कि एफिशिएंसी की मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए मेरे कितने विद्यार्थी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ये होगा। कोई लेबर है कैसे काम कर रहा है, तो यानी जो जितना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसकी वेजेस उतनी ही ज़्यादा होगी। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली जो वेजेस होता है वो हम उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से देते हैं। कैपिटल को क्या देते हैं हम? तो बच्चों हम कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। तो क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट या ब्याज किस पर डिपेंड करता है? तो ये टाइम और अमाउंट दोनों पर निर्भर करता है। तो इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल। जितने ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अब साथियों प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उद्यमी कौन होता है? तो इसको कहते हैं बच्चों हम मालिक। और मालिक को क्या मिलता है? तो मालिक को बच्चों या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा। मालिक का फिक्स नहीं। और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये होता है रिस्क, जोखिम। आप सुनते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई लॉस, नो रिस्क नो प्रॉफिट, नो रिस्क नो लॉस। जितना ही ज़्यादा रिस्क हो उतना ही ज़्यादा। अच्छा किसी बच्चे से करवा लो। हाँ अब बच्चों रिस्क का मतलब क्या है? जैसे ट्रक आ रहा हो, ट्रक के आगे कूद के पीछे हो जाए तो क्या इसे रिस्क कहेंगे क्या? तो बच्चों हम रिस्क का मतलब होता है विच इज़ नॉट गारंटेड, जो निश्चित नहीं है। जैसे मालिक को पता है कि बिजनेस चले ना चले रेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेबर को पता है कि चाहे कम आउटपुट आए ज़्यादा आउटपुट आए उसको उतना ही वेजेस मिलना है। जिसने कर्जा दिया उसको मतलब नहीं, आपका बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा उसको इंटरेस्ट देना ही होगा। तो ये सारा का सारा रिस्क कौन ले रहा होता है? एंटरप्रेन्योर। अलग अलग कॉन्सेप्ट में रिस्क का मीनिंग सोशलिज्म में अलग है, कैपिटलिज्म में अलग है। अभी के लिए रिस्क का मतलब हम मान के चलते हैं जो गारंटेड नहीं है, जो निश्चित नहीं है उसको हम रिस्क के रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट था किसके बदले में क्या देते हैं। अब बच्चों जो हमने पढ़ा वो थोड़ा अस्त व्यस्त था, अब उसको प्रॉपर समराइज करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है कैसे, ताकि क्लियर हो जाए कि अब तक हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो अभी लिखेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए समझें। इकोनॉमिक्स कहता है किसी भी देश में 3 लोग होते हैं। एक है बच्चों हाउस होल्ड, हम और आप, घरेलू क्षेत्र। दूसरा होता है बच्चों फर्म, जो चीज़ों को बना रहा होता है, कंपनी। और तीसरा होता है गवर्नमेंट, सरकार। किसी भी देश की इकोनॉमी में इन 3 लोगों का सबसे ज़्यादा रोल है। हाउस होल्ड फर्म को भूमि देता है,
तो बच्चों फर्म इसके बदले में रेंट देता है लगान। हाउस होल्ड फर्म को लेबर देता है, हम और आप कहीं ना कहीं जाकर काम करके आ रहे हैं, या हमारे पिताजी या हमारे पेरेंट्स, तो हमें उसके बदले में वेजेस मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हम ही अपना पैसा इन तक पहुंचा रहे हैं बैंक के थ्रू या डायरेक्ट, तो ये हमें इसके बदले में इंटरेस्ट ब्याज दे रहे हैं। हमारे ही परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन रहा है, पापा जी हमारे किसान के रूप में या बिजनेसमैन के रूप में, और इसके बदले में हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है और बच्चों लॉस भी मिल सकता है। इन चारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। हमने याद करो चार फैक्टर के रूप में आपको बताया था, तो हमने कहा था इकोनॉमिक्स के चार एक्टिविटी हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन, इन्वेस्टमेंट निवेश, एक्सचेंज विनिमय, और कंजप्शन उपभोग। तो हमने कहा इन चारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, निवेश कहलाता है। अब इन चारों को इकट्ठा किसने किया है, तो जवाब है कि फर्म ने। अब फर्म ने इकट्ठा क्यों किया है, तो फर्म ने बच्चों इकट्ठा किया है प्रोडक्शन के लिए, और फर्म किसके लिए प्रोडक्शन करता है, तो जवाब है हाउस होल्ड के लिए। जैसे कपड़े वाले ने कपड़ा बनाया, हम तक आप तक पहुँचा है, पार्ले वाले ने पार्ले बनाया, हम तक आप तक पहुँचा है, तो फर्म हम तक आप तक पहुँचाता है, तो हम और आप इसके बदले में पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। तो हम तक आप तक पहुँचाने की घटना को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। आप सुनते होंगे डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को हम तक आप तक पहुंचाती है, तो हम इसके बदले में पेमेंट करते हैं। तो वस्तु लेकर के पैसे का भुगतान करना इज नोन एज एक्सचेंज, विनिमय। अब इस पैसे को लेकर के मालिक मकान मालिक को रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कहीं से कर्जा है तो इंटरेस्ट देता है, बच गया तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। हम सबको अपना लाइफ चलाना है, जो जिसमें कैपेबल है वो अपने हिसाब से उस तरीके से काम कर रहा होता है। बच्चों ये सारा सिस्टम चलता रहा, ये जिम्मेदारी है किसकी, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट इसके बदले में फर्म को फैसिलिटीज देते हैं, सुविधाएं देते हैं। सुविधा किस चीज़ की, लॉ एंड ऑर्डर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रिसिटी की, डिफेंस की, पुलिस की, और हम इसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं, कर देते हैं। इसी तरीके से बच्चों सरकार हमें भी फैसिलिटी देती है, सब्सिडी, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, डिफेंस, और हम भी इसके बदले में इनको टैक्स देते हैं, कर देते हैं। तो बच्चों ये सारा का सारा सिस्टम इकोनॉमिक्स कहलाता है। जो देश जितने अच्छे से इसको मैनेज कर जाता है, वो देश उतना ही बेहतर आगे निकल जाता है। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना, कौन सी चीज़ कहाँ है कैसे उसी को मैनेज करना। तो बच्चों आप लोग चाहें तो इसको लिख लें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप बताएं, नहीं तो मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ऑनलाइन वाले आप लोग बोल सकते हैं, हम चाहें तो कंटिन्यू भी पढ़ाएं और चाहें तो रुक के पढ़ाएं, क्योंकि हम लोग तो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। यदि आप लोग लिख रहे हैं तब तो हम रुक जाएं, और नहीं सिर्फ देख रहे हैं तो फिर रुकने की जरूरत है नहीं। आगे चलें, तेज बोलें, नहीं स्क्रीनशॉट ऐप में अलाउड नहीं, पॉसिबल ही नहीं, होएगा ही नहीं, पढ़ाते रहें। ओके, अब बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन है, ये आप सबको बताना है, ऑनलाइन वालों को। हु इज ऑनर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन किसके पास है, लैंड के पास, सॉरी फर्म के पास, हाउस होल्ड के पास, गवर्नमेंट के पास। संसाधन किसके पास है, हु इज ऑनर ऑफ
रिसोर्सेज, गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड। एक जवाब आ रहा है गवर्नमेंट के पास, और किसी का कोई आंसर हो? आप संदीप इसको फेसबुक पे भी लाइव कर ही दीजिए। अच्छा ठीक, हाउस होल्ड भी जवाब आया, तो इस बच्चे का जवाब सही है। लैंड किसका है, हाउस होल्ड का, लेबर किसका, हाउस होल्ड का, कैपिटल किसका, हाउस होल्ड का, एंटरप्रेन्योर कौन है, हाउस होल्ड। तो सारा का सारा संसाधन किसके पास है, हाउस होल्ड के पास। एक तो क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ इकोनॉमिक्स कर क्या रहा है, किस तरीके के प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने कहा है यहाँ इकोनॉमिक्स मिल ली चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे मैनेज कर रहा है, क्या मैनेज कर रहा है, तो हमने कहा कि संसाधन को एलोकेट करना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। बच्चों हमने आपको फेसबुक पे अपडेट किया था कि जैसे जैसे जो जो टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कहीं से भी कवर करना है, चाहे आप प्रीवियस पेपर लें, सीडीएस लें, यूपीएससी लें। मतलब ये नहीं हो कि मैं टॉपिक पढ़ाऊँ और आप बस टॉपिक पढ़ते चले जाएं। टॉपिक के साथ साथ आप लोगों को उस टॉपिक का डाउट भी क्लियर करना है। जैसे लगभग 17 टॉपिक के रूप में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन 17 पे हम लगभग 1200 के आसपास क्वेश्चन में देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी आप क्वेश्चन लेके आएँ। डेली लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे शुरू के क्वेश्चन सेशन के रूप में आप हमें कमेंट में दे सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, ये क्वेरीज है, और हमारे जो असाइनमेंट दिए जाएंगे उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। और जैसे ही टॉपिक क्लियर होगा हम एक एक असाइनमेंट से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। इसको आप ऐसे समझिए जो आपके लाइफ की सेंट्रल प्रॉब्लम है वही इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर आपकी लाइफ में, मतलब पर्सनल नहीं बताना है। दो चार पांच बच्चे तो पकड़ के लाके रखा करो यार। हाँ सर आपसे बात कर रहे हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, खुल के बात कर सकते हैं। क्या सेंट्रल प्रॉब्लम आपके लाइफ की, क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम दूर कर दें ऐसा, तो क्या प्रॉब्लम बताएं? समस्याएं तो बहुत सारी लाइफ में, जैसे कि मतलब कुछ अपना घर हो, घर ये समस्या है या मतलब टारगेट है? टारगेट है। हाँ तो समस्या और टारगेट दोनों अलग अलग चीज है सर। कोई समस्या मतलब जिनको हम दूर करना चाहते हैं, टारगेट जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। संदीप आपके लाइफ की क्या समस्या है? बेरोजगारी, हेल्थ इश्यूज भी है। इसी उम्र में हेल्थ इश्यू आ गए। देखिए बच्चों जब आप ग्रेजुएट हुए आइए सर आज आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बैठिए। थके तो नहीं है? नहीं। बैठिए, लाइव चल रही क्लास। नहीं बैठेंगे? मैं भी बुके पे बैठ जाऊंगा। हाँ तो हमने कहा कि जो आपके लाइफ की प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप ग्रेजुएट हुए तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि व्हाट टू डू, क्या करूं। दूसरा हाउ टू डू, कैसे करूं। और तीसरा Whom to do, किसके लिए करूं।
हम सारे पूरी लाइफ इन्हीं तीन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। समय के साथ परिस्थिति के अनुसार हमारे इन तीनों प्रॉब्लम का मीनिंग बदलता चला जाता है। जैसे आपने था कि क्या करूं, तो आपने डिसाइड किया कि जी मैं तो एसएससी करूंगा, बैंक करूंगा, रेलवे करूंगा, यूपीएससी करूंगा, या हो सकता है इसमें भी आप कन्फ्यूज होंगे, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, आपका ये डिसाइड होना जरूरी है कि क्या करना है, और जो करना है मन से करना है। फिर हुआ कि हाउ टू डू, कैसे करूं। तो फिर बच्चों आपने अपनी सुविधा के हिसाब से टीचर ज्वाइन की, अपनी सुविधा के हिसाब से बुक परचेज की, और लगभग आपने ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। और अब तीसरी प्रॉब्लम है कि होम टू डू, किसके लिए करूं। तो ये भी लगभग आप लोग अपने खुद के लिए, माँ बाप के लिए या किसी और के लिए करना चाहते हैं। सेम बच्चों, यही तीन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स दूर करने का प्रयास कर रहा है। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो हमने कहा क्या उत्पादन करें, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, और तीसरा होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। बच्चों कई बार एग्जाम में क्या करेगा, कोई चौथा प्रॉब्लम दे देगा और पूछेगा विच वन इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, या कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है। यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम का सिंपल मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स मेनली करना क्या चाह रहा है। तो हमने कहा इकोनॉमिक्स मेनली तीन चीज़ों को करता है कि क्या उत्पादन करें। क्योंकि मान लीजिए यदि हमने डिफेंस पर ज़्यादा खर्चा कर दिया तो सब्सिडी रह गया, सब्सिडी पर खर्चा कर दिया तो एम्प्लॉयमेंट रह गया, एम्प्लॉयमेंट पर खर्चा कर दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर दिया तो हेल्थ रह गया, हेल्थ पे खर्चा कर दिया तो एजुकेशन रह गया। यानी ये प्रॉब्लम हमेशा बनी ही रहेगी। तो ये हमारे बजट के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा इस प्रॉब्लम को दूर करते। फिर कितना करें, हमने कहा जी शिक्षा पे करना है, लेकिन कितना, हेल्थ पे करना है कितना, और तीसरा होम टू डू कि टारगेट ग्रुप कौन हो। तो यही तीनों प्रॉब्लम हमारा इकोनॉमिक सॉल्व कर रहा होता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कर दें। हमने कहा सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, इसी क्वेश्चन को बदल दें और पूछे मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है। तो बच्चों ये तीनों प्रॉब्लम क्यों आई हैं, मतलब किसी भी इकोनॉमिक्स के सामने ये क्यों दिक्कत आ रही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, बताएंगे आप लोग इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या है। नहीं, जैसे अभी देश में बेरोजगारी, हेल्थ, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो हैं या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता कि इन प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, इन समस्याओं को दूर करना चाहिए और हम इसी के लिए आए हैं। तो क्यों वो प्रॉब्लम नहीं दूर पा रहे, कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। एक बच्चे ने जवाब दिया है पॉपुलेशन, जनसंख्या। चलो ठीक है, और कोई जवाब देते हो। तो बच्चे जनसंख्या की प्रॉब्लम तो अब आ गई, लेकिन इकोनॉमिक्स तो शुरू से कुछ मेन प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। जीडीपी प्रॉब्लम है, कम है। जैसे अभी हम सबके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, तो क्या कारण है इसका, ऐसा है क्या कि हम योग्य हैं फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब में कितने लोगों को लगता है कि हम योग्य हैं फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब फिर कोई कमेंट आया, ये क्या बोल रहे हैं, यस। तो मेन प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। सीमित संसाधन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट डिमांड आर अनलिमिटेड, ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स के सामने। यदि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हमें ये डिसाइड ही नहीं करना पड़ता क्या प्रोड्यूस करें। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है, करें सब, कैसे करें, जरूरत ही नहीं थी। वैसे इमेजिन करो हमारे पास टाइम अनलिमिटेड हो, पैसे अनलिमिटेड हो, तो क्या हमारे, हमें इन सब की जरूरत है, जवाब है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है
कि स्कार्सिटी का मतलब क्या होगा। तो स्कार्सिटी का मतलब है कि डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है, यह प्रकृति का नियम है कि ये स्कार्सिटी जनरेट रहेगी। इसी में बच्चों इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। यदि स्कार्सिटी नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हम ये सभी जानते हैं साइंस में कि इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा, हम पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे। हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि गलत करेंगे तो गलत होगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। यानी सिंपल मीनिंग है कि इनपुट के बाद आउटपुट आएगा, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए या आपकी एबिलिटी कम है तो और ज़्यादा लग जाए, आपका डेडिकेशन थोड़ा गड़बड़ा रहा है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या किसी कारण से तो और इधर उधर हो सकता है। लेकिन हाँ, इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा, ये तो कहता है साइंस। इकोनॉमिक्स कहता है कि नहीं, 2 साल पढ़ के इंस्पेक्टर लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, मिनिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लेना, दैट इज इकोनॉमिक्स। न्यूनतम आगत से अधिकतम आगत, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का मैनेजमेंट करना। जैसे आप सबको हम सेम टीचर पढ़ाएंगे, सेम क्लासेस होंगे, सेम डाउट होगा, सेम असाइनमेंट होगा, लेकिन बच्चों फिर भी आप सभी अपने सपनों को साकार नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होंगे, तो सिर्फ वो डिपेंड करता है कि आप हमसे पढ़ने के बाद आप अपने टाइम का कैसे यूज करेंगे। हम सभी भूल गए कि हम, या उस बात को भी नहीं करके दूसरे तरीके से बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हो, आपको घर भी जाना हो, खाना भी खाना हो, मोबाइल भी रिचार्ज कराना हो, तो अब यहाँ इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब घर जाने के लिए आपके पास विकल्प होगा ऑटो का, टैक्सी का, मेट्रो का, पैदल का, लिफ्ट का। अब आप अपने चॉइस से डिसाइड करेंगे कैसे जाएँ। आपको खाना खाना होगा तो आप रामू के ढाबे पर भी खा सकते हैं, किसी दोस्त के वहाँ भी खा सकते हैं, किसी गुरुद्वारे पर भी खा सकते हैं। यानी पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक्स हमेशा आपको एक अल्टरनेट देगा। जिसको हम विकल्प के रूप में बोलते हैं। जैसे अभी जो टाइम है, आप यहाँ पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, सोने के लिए यूज कर सकते थे, घूमने के लिए यूज कर सकते थे, आपका जो पैसा इसी तरीके से कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जितना बेहतर आप इनपुट डालेंगे उतना बेहतर आउटपुट आएगा। और बच्चों जो जितने अच्छे से इसको यूज कर जाता है, आप खुद देखिए, सभी के पास 24 आवर ही हैं, कुछ लोग इसी 24 आवर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप ही अपने कुछ दोस्तों से बहुत आगे निकल गए होंगे, कुछ दोस्त आपसे आगे निकल गए होंगे। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपने अपने इनपुट को कैसे आउटपुट में कन्वर्ट किया है। पूरा लाइफ रिसोर्स, सभी चीज़ों के मैनेजमेंट का इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की बात करता है। तो यदि हम सिंपली एक डेफिनेशन दें कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब देखें, कोई उतना ही पैसा कमा रहा है तो कर्जा दे रहा है, और कोई उतना ही पैसा कमा रहा है तो कर्जा ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज नहीं किया। खैर, तो हमने एक सिंपल आपको डिफिनेशन दिया। यदि हम डिफिनेशन वाइज बोलें तो हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक विषय है, विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। हमने कहा इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करते हैं, और ये संसाधनों के ऑप्टिमम यूज की बात करता है। तो यदि आप लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक विषय है, विच बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसका आधार संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। तो
तो ये तो बच्चों हमने एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट सिखा है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो हमने कहा रिसोर्सेज के यूज करने को हम इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक दो बातें और सीख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को बच्चों हम दो हिस्सों में बांटते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, लगभग सीडीएस तक में भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो बच्चों ये पूछा जाए कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिवीजन, हमने कहा था इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, माइक्रो और मैक्रो का डिवीजन किसने किया था? तो ये थे बच्चों रेगनर फीस, ९९ में उन्होंने ये डिवीजन किया कि हम इकोनॉमिक्स को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। और भाइयों माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी हम रेगनर फीस को ही बोलते हैं। और मैक्रो का हम जेम केन्स को बोलते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा पॉइंट है कि माइक्रो का फादर कौन है, मैक्रो का फादर कौन है। अब है कि बेसिक डिफरेंस क्या है। तो माइक्रो का मतलब ये इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। जब हम किसी एक कंपनी एक संस्था की बात करें तो इंडिविजुअल को शो करेगा, मैक्रो का मतलब होगा फॉर ऑल, सभी के लिए। जैसे बच्चों मान लो हम ट्यूशन की बात करें तो ये माइक्रो हो जाएगा, हम कोचिंग की बात करें तो दोनों में ये मैक्रो हो जाएगा। हम किसी कंपनी टाटा कंपनी के ट्रांजैक्शन की बात करें, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, टिस्को कंपनी का ट्रांजैक्शन, तो ये होगा माइक्रो का। लेकिन सारे टेलीकॉम कंपनी का ट्रांजैक्शन या सारे स्टील कंपनियों का ट्रांजैक्शन, ये होगा मैक्रो का। दो देशों के बीच में किए गए व्यापार को हम माइक्रो कहेंगे, लेकिन पूरे विश्व के किए गए व्यापार को हम मैक्रो कहेंगे। तो जब हम ओवरऑल नेशनल इनकम की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल होगा? मैक्रो का। लेकिन हम किसी एक देश, एक संस्था, एक परिवार, एक व्यक्ति की बात करें तो बच्चों ये माइक्रो का होगा। तो हमने कहा इसको पहचानने का तरीका है कि इंडिविजुअली एक व्यक्ति एक संस्था एक देश माइक्रो, जब सभी व्यक्ति सभी संस्था सभी देश की बात करें तो हम मैक्रो के रूप में डिफाइन करेंगे। आपको क्वेश्चन देंगे तो आप लोग देखेंगे इस पर कई तरीके के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो भी कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो हमने एक बेसिक सा डिफरेंस आपके सामने रखा कि इकोनॉमिक्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, सारे टॉपिक के हम आपको क्वेश्चन के पीडीएफ देंगे और नोट्स का पीडीएफ कोशिश करेंगे। अब तक हमने सारे सब्जेक्ट का मैटर बना लिया है, इकोनॉमिक्स से नहीं बना पाए। हाँ, क्वेश्चन के फॉर्म में हमने बहुत कुछ काम किया इस पर। तो आपको आपके क्वेश्चन जवाब है क्या पीडीएफ मिले, और जवाब है कि हाँ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन के फॉर्म में पीडीएफ मिलेंगे। अब है दोस्तों अगला एक वर्ड, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। बच्चों जब हम आपसे ये पूछें कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है तो आप बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन यदि हम बोलें कि इंडिया का इकोनॉमिक्स कैसा है, अर्थशास्त्र, तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते। जब हम बोलते हैं ब्रिटिश इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, पॉइंट क्या है कि इकोनॉमी कंट्री टू कंट्री, देश टू देश अलग अलग होता है। जबकि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो विश्व के हर देशों में सेम होगा। तो हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ
इकोनॉमिक्स, यह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। और बच्चों इकोनॉमिक्स इज अ थियरी, और थियरी विश्व के हर देशों में सेम होता है। तो हमसे जनरली पूछते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो हम इसको कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हम मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में डिफाइन करेंगे। तो छोटा सा पॉइंट तक इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस। अब बच्चों एक पॉइंट लिख लेते हैं यहीं पर कि इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसे बच्चों तीन तरह के क्वेश्चन हम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाई मिक्स्ड इकोनॉमी एंड व्हेन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों बना, और तीसरा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बना। तीनों में से बच्चों आपके पास कोई भी जवाब हो तो आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, तो ऑप्शन है एक ऐसी इकोनॉमी जहां स्मॉल इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री हो। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसी इकोनॉमी, इस स्लाइड को भी लगा लो ना इसमें, नहीं, दूसरा है एक ऐसी इकोनॉमी जहां रूरल एरिया अर्बन एरिया हो। तीसरा ऑप्शन है एक ऐसी इकोनॉमी जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हो। और चौथा ऑप्शन है जहां प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर हो। बताएंगे आप लोग व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो। तो ऑप्शन में नहीं था बच्चे, प्राइवेट और गवर्नमेंट, यस। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ कैपिटलिस्ट व्यवस्था, पूंजीवाद और सोशलिस्ट, समाजवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती। इन दोनों इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में डिफाइन करते हैं। यदि हमें यह समझ में आ जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, तो बच्चों हम इजीली बता सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों बनी, कब बनी, क्या है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ सारा का सारा काम प्राइवेट लोग कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट एयरलाइंस, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब बच्चों सारा का सारा काम गवर्नमेंट करते हों तो ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरकारी बैंक, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एयरलाइंस, ये सारा का सारा, और हमारे पास दोनों हैं इसलिए हम इसको कह रहे हैं मिक्स्ड। एक हमने बोला था कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ एग्रीकल्चर भी होता हो और इंडस्ट्री भी होता हो, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहेंगे। तो बच्चों ऐसी इकोनॉमी को हम ड्यूअल इकोनॉमी कहते हैं, द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था। यानी जहाँ दोनों के आधार पर ना करके जीविका का पालन किया जाता। अब क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमने कहा कि जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो तो ऐसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब है कि व्हाई मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों बने हम। तो यदि हमें यह पता चल जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या लाभ होता है, तो बच्चों प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट संस्थाएं क्यों खोली जाती है, क्या पर्पज होता है, तो इसका पर्पज होता है प्रॉफिट, लाभ कमाना। बच्चों ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बायलेटरल होना चाहिए। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खर्चा जरूर मिले, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको
समझ में आए, आपका जो टारगेट है वो पूरा हो, दैट इज बोथ। मतलब क्या कि दोनों को लाभ होना चाहिए। हो गया उल्टा कि मुझे लाभ होना चाहिए, आपको लॉस हो, नहीं हो, इससे हमें मतलब नहीं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का पर्पज़ होता है सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण करना, सबका विकास करना। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी संस्थाएं इसी उद्देश्य काम करती हैं। दूसरा आता है कि यहाँ प्राइस डिसाइड कौन करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों प्राइस डिसाइड होता है बाय मार्केट, बाजार के द्वारा। यदि बाजार में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा, कम है तो कम। और यहां पे बच्चों करते हैं गवर्नमेंट, सरकार। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन और यहां से हम रेडी करते हैं। पहले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम बच्चों मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था भी, अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था। जबकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल्ड, नियंत्रित, प्लान्ड इकोनॉमी, योजनागत अर्थव्यवस्था, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में रहे हैं। तो हमने सिंपली अभी तक कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सब कुछ मार्केट ओरिएंटेड हो, प्राइवेट लोग करते हो, जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना हो, दैट इज कैपिटलिस्ट। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सारा का सारा काम सरकार के द्वारा किया जाता हो, जिसका मेन मोटो सबका कल्याण करना हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बच्चों एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि वाई मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों? तो ये बच्चों हम तब कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लाभ क्या है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का लाभ क्या है, लॉस क्या है, तो हम इजीली बता पाएंगे कि क्यों ये अपनाना चाहिए, क्यों नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि एक ऐसा देश जहां सब कुछ प्राइवेट के पास है तो उस देश को क्या फायदा होने वाला है। यदि कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो उसको क्या फायदा होगा? ज्यादा ज्यादा टैक्स मिलेगा और बताइए संदीप, मतलब कोई देश है जहां सब कुछ प्राइवेट के पास है तो उस देश को क्या फायदा हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दें, रेलवे प्राइवेट कर दें। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। एक जवाब किसी का आया है, बेस्ट फैसिलिटी मिलेगा, चलो सही बात है। चलें क्वेश्चन चेंज करेंगे, शायद आंसर क्लियर हो जाएगा। अच्छे टीचर कहाँ हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? हाँ अच्छे टीचर नहीं, अच्छे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में, वो एग्जाम पास करके आते हैं, कंपटीशन पास करके आते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं? प्राइवेट में। अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं? गवर्नमेंट में। लेकिन हम और आप अपना इलाज कराना कहाँ पसंद करें? प्राइवेट में। तो सोचने वाली बात है कि टीचर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, डॉक्टर अच्छे हैं गवर्नमेंट में, इलाज हो रहा है प्राइवेट में, तो ऐसा कैसे? सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं।
स्कूल में पढ़ाई होती है टीचर से, और हॉस्पिटल में इलाज होता है डॉक्टर से। तो हम स्कूल में बच्चों को फैसिलिटी के लिए भेज रहे होते हैं या टीचर के लिए भेज रहे होते हैं? टीचर के लिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए। तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से सारा सिस्टम उल्टा हो गया, बताएंगे वाई प्राइवेट स्कूल वाई प्राइवेट हॉस्पिटल? एक जवाब आ रहा है, देखिए तो क्या लिखा है, फैसिलिटी सेकेंडरी है बच्चे, प्राइमरी इज टीचर, प्राइमरी इज डॉक्टर। तो देखिए एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर है, उनको 8 बजे स्कूल पहुंचना है, गलती से वो 8:30 में पहुंचे, तो आप भी जानते हैं प्रिंसिपल क्या करेगा, तुम कहाँ रहती हो, डेली डेली तुम्हारा ये ड्रामा है, जब देखो तब तुम लेट हो जाते हो, तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, आगे से लेट होना तो आने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी सर सॉरी करके जल्दी जल्दी क्लास में गई, क्लास में लेकर के आई, ब्रेक में बैठी हुई है, प्रिंसिपल मैडम आज क्यों नहीं आए? हाँ सर देख तो रही हूँ, तो मैडम ऐसा करो ना चाय बना लो, दोनों चाय पी लेंगे। तो मैडम मैं चाय बनाने आती हूँ क्या? माइंड योर लैंग्वेज, अपना व्यवहार चेंज करें, मैं चाय बनाने नहीं आती हूँ। तो मैडम ऐसा करो अपना हिसाब कर लो, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। मैडम सर मैं तो मजाक कर रही थी, ये बताइए कितना कप चाय बनाना है, 2 या 3? दैट इज बच्चों कंप्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आप देखें प्राइवेट स्कूल के टीचर को घर पे कॉपी चेक कर रही है, रिजल्ट तैयार कर रही है, पेपर बना रही है, कभी सरकारी स्कूल के टीचर को देखा होगा ऐसा कभी नहीं करते। तो इस कहानी का मतलब क्या है कि प्राइवेट का मतलब ही है क्वालिटी, गुणवत्ता। प्राइवेट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि पैसा इतना दो कि कोई और ना दे, लेकिन काम इतना ले लो कुछ और ना कर पाए। अब देखते होंगे यदि आपके घर में कोई एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, तो सुबह जा रहे हैं तो सलमान खान बने हुए, शाम तक आते हैं तो राजपाल यादव। दैट इज क्वालिटी। और बच्चों सारा कुछ गेम क्वालिटी का ही है, यदि किसी की क्वालिटी ज्यादा है डिमांड ज्यादा, और बच्चों डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा जॉब ज्यादा, जॉब ज्यादा तो इनकम ज्यादा, और बच्चों इनकम ज्यादा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा, और टैक्स ज्यादा तो डेवलपमेंट ज्यादा। और ध्यान से देखिए तो बच्चों किसी भी देश को यही चाहिए, यही कारण है कि सरकार सभी चीजों में प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, क्योंकि प्राइवेट के साथ अच्छी बात क्या है, वो क्वालिटी की गारंटी लेते हैं। रेलवे इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आने वाले समय में हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को प्राइवेट करेंगे। और साथियों ये तो रहा कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट, सोशलिस्ट का क्या है बताएंगे सरकार? अच्छा क्या प्राइवेट होना अच्छे होने की गारंटी है? तो जवाब है नहीं। और क्या सरकारी होना खराब होने की गारंटी? जवाब है नहीं। क्योंकि देखिए यदि ध्यान से तो IIT गवर्नमेंट के पास है, IIM गवर्नमेंट के पास है, JNU BHU DU जितने बेहतरीन कॉलेजेस आप समझ रहे सारे गवर्नमेंट के पास, आपने नवोदय प्रतिभा विद्यालय ऐसे कई सारे सुने होंगे, यानी गवर्नमेंट होना खराब होने की गारंटी नहीं, और ना ही प्राइवेट होना अच्छे होने की गारंटी। डिपेंड करता है मैनेजमेंट किसका कितना बेहतर है, सारा का सारा गेम मैनेजमेंट का ही। तो सोशलिस्ट का पर्पज है बच्चों इक्वल डेवलपमेंट, समान विकास, गरीब के बच्चे भी पढ़ पाए, गरीब का भी इलाज हो पाए, सबको साथ लेकर चलना। और बच्चों लॉस की बात करें तो जो इसका प्रॉफिट वो इसका लॉस, यहाँ लो डेवलपमेंट होगा या हाई डेवलपमेंट होगा। अब पॉइंट है कि आप किसी देश को क्या देना चाहेंगे, हाई डेवलपमेंट रेट या इक्वल डेवलपमेंट? तो बच्चों हम दोनों देना चाहेंगे,
तो यही कारण था कि भारत ने अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने अब तक दो बातें कही थी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिक्स कहते हैं, और दूसरा क्यों हम मिक्स्ड बने, तो हमने ये भी बता दिया आपको। तो हमने गरीबों को भी साथ लेके चलना था और तेज़ी से विकास भी करना था। जिनके पास पैसे थे उनको हमने कहा कि ठीक है आप जाइए प्राइवेट में, जो गरीब थे हमने कहा कि आओ हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो ये तो हुआ कि मिक्स्ड अर्थव्यवस्था क्यों बने थे। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन था वाई मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये भी हमने बता दिया। अब तीसरा था व्हेन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बने थे हम, तो ये तो आप सबको बताना चाहिए कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बना था। बताएंगे ऑनलाइन वालों, बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी कब बने थे हम, गेस करो। ऑप्शन 1991, 1947, 1956, 50। जीएस में तुक्का नहीं मारना है, इसीलिए सारे बच्चों को जीएस में क्यों क्वेश्चन लगता है आसान, ऑनलाइन वाले एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, गूगल कर रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाँ ये सही जवाब है, तुम नेता बन सकते हो मेरे दोस्त आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हाँ कभी ना कभी तो बने ही होंगे। तो बच्चों एक पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया 6 अप्रैल 1948 को बाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। देख रहे कोई आ रहा है बार बार कुछ बात हो, श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्याम प्रसाद मुखर्जी देश के पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, पहले औद्योगिक मंत्री हैं। और बच्चों जीके का एक फैक्ट है कि देश में पहला मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया, त्यागपत्र दिया है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 एक डिस्प्यूट वाला मुद्दा है, इसी मुद्दे पर नाराज होकर के इन्होंने ये अपने आप को रिजाइन कर दिया था। तो हमारे काम का पॉइंट है कि पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुई और किसने अनाउंस की, तो हमने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, क्योंकि देश के पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। फिर आपका कमेंट आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो बच्चों फिर रिपीट करो, एक बार रिप्लाई कर दो मुझे, क्या दोबारा आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। और जिस बच्चे ने मेंशन किया, बच्चे पहले आप ही स्पेशली रिप्लाई करिए मुझे एक बार, चंदन कुमार, कि आवाज़ क्लियर है या नहीं। नहीं, कोमल पांडे ने, बच्चे कोमल आप बताओ, कोमल है, कमल है, कोमल, बच्चे आप बताइए कोमल आवाज़ क्लियर है अब, कमल नहीं, क्लियर है कमल, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम, बाकी बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि हाँ क्लियर है आवाज, या कमल आप बता दें एक बार किस तरीके की दिक्कत आ रही है, वॉइस कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। बच्चे कमल आप एक बार प्लीज रिप्लाई करें, देखें कुछ कमेंट दिया कमल ने, बाकी सभी लोग कह रहे हैं ठीक है। बच्चे कमल देखो प्रॉब्लम
वहाँ नेटवर्क में है या कुछ और प्रॉब्लम है, देख लो एक बार, थोड़ा 3G को बढ़ा के 4G करो, चले फिर भी कमल दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। तो हमने कहा कि पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देखें कुछ कमल फिर कह रहे हैं, हाँ बच्चे पक्का नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी इसीलिए कट रहा है। अब बच्चों हमने कहा कि 6 अप्रैल 1948 को ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में इंडिया अनाउंस्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने स्वयं को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। इन्हें क्वेश्चन तक भारत मिक्स्ड कब बना, तो हमने कहा 1948 को, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किसने घोषित किया, तो हमने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। और बच्चों इसी पॉलिसी में इंडिया ने एक और बात अनाउंस की, इंडिया अनाउंस्ड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, भारत ने स्वयं को बंद अर्थव्यवस्था भी घोषित किया। आईएएस 2015, एमटीएस, कई सारे एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का ना होना, इजी क्वेश्चन। देखो जनरली होता तो है नो इंपोर्ट, हम आपसे आयात नहीं करेंगे, और बच्चों जब आप किसी से आयात नहीं करेंगे तो कोई आपसे भी आयात नहीं करेगा, तो रिजल्ट हो जाता है नो एक्सपोर्ट। और साथियों एक क्वेश्चन यहां पे और हो सकता है कि वाई क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्यों? तो बच्चों इसके दो कारण हैं, एक तो है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कारण, बहुत पहले हमारे वहां कोई आया था एज ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें हमारे ही देश में गुलाम बना दिया, तो हम डरे हुए थे कि दोबारा हम किसी को नहीं आने देंगे इस काम के लिए। ऐसे समझिए कि किसी मकान का कोई किराएदार कुछ देर बाद मकान मालिक बन जाए, तो सोच के देखिए क्या आने वाले जनरेशन का भी किराएदार रखेंगे, जवाब है नहीं। तो कुछ ऐसा ही था, कोई आया और हमें हमारे देश में पता नहीं क्या क्या, हमें हमारे देश में गुलाम बना दिया, तो हमने डिसाइड किया कि जी कुछ भी हो जाए अब हम किसी से आयात निर्यात नहीं करेंगे। और दूसरा था फ्यूचरिस्टिक टारगेट, यदि हम सब कुछ इम्पोर्ट करते रहे तो हम कभी खुद आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमने इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में अनाउंस किया है। तो हमने कहा कि इतने तारीख को अनाउंस हुआ और दो बातें अनाउंस हुई। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पॉलिसी को किस नाम से जानते हैं, तो ये पॉलिसी कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसे भारतीय औद्योगिक नीति का संविधान कहते हैं। यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चार क्वेश्चन कौन है कॉल पे, अच्छा उनसे बोलो कि सामान भेजे तो बेंच भी भेज देंगे दो, हाँ तो दो बेंच भी बोल देना। तो हमने कहा कि चार तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कब अनाउंस हुआ, किसने अनाउंस किया, किस किस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ, और किस नाम से जानते। बच्चों यहाँ और भी आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कोई बुक नहीं पढ़नी होगी, तो यकीन मानिए हम उस तरीके के सारा जितना पॉसिबल क्वेश्चन कंडीशन होगा वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब बच्चों दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, औद्योगिक नीति 1956, और इस पॉलिसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है, जो आया तो कई बार है। इसे भारतीय औद्योगिक नीति का
मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो अच्छा जो मैग्ना कार्टा वर्ड है वो 1215 में ब्रिटेन से आया था, क्वीन एलिजाबेथ ने वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे और वहीं से वर्ड जनरेट हुआ है। मैग्ना कार्टा वर्ड अलग अलग सब्जेक्ट में भी आता है, जैसे हम इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं वुड डिस्पैच को, वुड्स प्रस्ताव, चार्ल्स वुड लेके आया था और जो भी पॉलिसी लाए थे आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। वैसे समझ लें मैग्ना कार्टा मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। जैसे हम सामान्य बोलचाल में जिसको मील का पत्थर कहते हैं इकोनॉमिक्स, उसी को मैग्ना कार्टा के रूप में डिफाइन करता है, हम सामान्य बोलचाल में मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को। तो अब यहां पे हमें क्या सीखना है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस पॉलिसी में जिसकी वजह से हम इसको मैग्ना कार्टा कह रहे हैं, तो वो सीखते हैं क्या हुआ है। यानी सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम इसको कह सकते हैं मैग्ना कार्टा के रूप में। एक टेबल बनाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सरकार के उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्री, निजी उद्योग प्लस गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सरकारी उद्योग और लास्ट में प्राइवेट, निजी उद्योग और लाइसेंस। किसमें कितना लाइसेंस चाहिए, तो ये जानने से पहले बच्चों हमें दो चीजों को सीखना होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, सॉरी आसान है, आज क्लास थोड़ी लेट से शुरू की थी, थोड़ा सा लेट तक चलेगी। एक वर्ड है फर्म और एक वर्ड है इंडस्ट्री। फर्म होता है बच्चों एक कंपनी, जैसे वोडाफोन इज एग्जांपल ऑफ फर्म, जेट एयरवेज इज एग्जांपल ऑफ फर्म, सीओ 60 इज एग्जांपल ऑफ फर्म, और बच्चों इंडस्ट्री को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्मों के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे हम बात करें बच्चों जेट एयरवेज तो फर्म, एयरलाइंस इंडस्ट्री, और हमने कहा वोडाफोन फर्म, टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो पॉइंट क्या है कि वो इंडस्ट्री जहां सिर्फ सरकार अपनी कंपनी खोलेगी, वो इंडस्ट्री जहां सरकार और प्राइवेट दोनों अपनी कंपनी खोल सकते हैं, वो इंडस्ट्री जहां प्राइवेट लोग ही अपनी कंपनी खोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 1948 में हमने कहा था मिक्स्ड इकोनॉमी होंगे, लेकिन हमने ये नहीं बताया था कौन सी इंडस्ट्री किसके पास होगी। हमने पहली बार आकर के 1956 में क्लियर किया कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास, कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट के पास। और ये पॉलिसी आई थी बच्चों 30 अप्रैल 1956, और इसको लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसमें बच्चों हमने 17 इंडस्ट्री रखी गवर्नमेंट के पास, यानी वो इंडस्ट्री जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अपनी कंपनी खोल सकती। जैसे आपने देखा होगा बचपन में टेलीकॉम में सिर्फ सरकार की कंपनी होती थी,
एयरलाइंस में सिर्फ सरकार की कंपनी होती थी, ऐसे 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री ऐसे जहाँ पे दोनों लोग होंगे, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल। और कहा गया कि इसके बाद जो भी बचेगा वो प्राइवेट को दे दिया जाएगा। अन्य सभी उद्योग तो साथियों 17 और 12 के बाद कुछ बचता नहीं है। तो एक पॉइंट यहां थोड़ा सा सीखिए बस, आगे फिर डिटेल डिस्कस करेंगे। हम 1956 में कह तो रहे हैं मिक्स्ड, लेकिन हमारा ज्यादा झुकाव ध्यान से देखें तो किसकी तरफ है, सोशलिस्ट की तरफ। हम ज्यादा कंपनी अपने पास रख लिए, यहां भी हम आ गए और थोड़ी बहुत प्राइवेट को दे दी। यह अंतर हुआ है 1991 के बाद कि शुरुआती दौर में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री की तरफ, आज हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ फोकस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है तो आगे कई मौका मिले तो डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए ये समझिए, जब 1929 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया था तो सिर्फ रसिया ऐसा देश था जो बच गया था रिसेशन से। तो नेहरू ने अपनी बुक में लिखी है कि मैंने डिसाइड किया था कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं सोशलिज्म को अपनाऊंगा। तो हम सोशलिज्म तो नहीं अपना पाए, लेकिन हमने बाई नेचर अपने आप को सोशलिस्ट ही रखा, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कंपनियों को फोकस किया। और लाइसेंसिंग में कहा कुछ भी करिए लाइसेंस जरूर लेना है, चाय की दुकान खोलने तब भी लाइसेंस लेना है, यदि कुछ भी करिए तो लाइसेंस लेना ही लेना हो। अब बच्चों आप टेबल मिटाना नहीं, मुझे जगह कम है तो ये समझाने के लिए यहाँ पे फिर वापस टेबल को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान से देखें तो सरकार से दो गलती हो गई है। 1948 में हमने कहा है कि हम क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, और क्लोज इकोनॉमी का मतलब हमने बताया था नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, ना तो हम आयात करेंगे और ना ही निर्यात करेंगे। ये बच्चों आप जानते हैं जो सच्चाई की बात है, हम कभी नो इम्पोर्ट में नहीं रहे, हम इम्पोर्ट करते रहे, हम डिफेंस प्रोडक्ट मंगाते रहे, हम टेक्नोलॉजी मंगाते रहे, हम बहुत सारी वस्तुओं को अपने लिए मंगाते ही रहे, मशीनरी खासकर। लेकिन हमने ऑफिशियली तो कह दिया था नो इम्पोर्ट, तो रिजल्ट ये हुआ कि कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। यानी ध्यान से देखिए तो नो इम्पोर्ट के बावजूद हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है और नो इम्पोर्ट के कारण हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो व्यापार का घाटा बढ़ने लगा हमारा। और 1956 में हमसे क्या गलती हुई है, हमने ज़्यादा फेवर कर दिया गवर्नमेंट कंपनी को बजाय प्राइवेट के। और आप लोग ये सीख चुके हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता है, वेलफेयर होता है। तो सरकार की कंपनियां भी लॉस में आने लगी, प्रोडक्शन कम होने लगा, खर्चा बढ़ने लगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से फिर इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ा। और बच्चों इन दोनों का रिजल्ट ये हुआ कि जुलाई 1991 तक आते आते हमारे पास सिर्फ 15 दिनों के व्यापार के लिए पैसे रह गए और ऐसा लगा कि देश बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो उस समय बच्चों देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो चले गए आईएमएफ। आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बच्चों वाशिंगटन डीसी में है और जब भी कोई देश क्राइसिस में आता है फाइनेंशियल तो यही मदद करते हैं। आगे मैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ाऊंगा तो अभी तब और डिटेल डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक आर्थिक मदद नहीं करते हैं, बाकी चीजों में मदद करते हैं, लेकिन आईएमएफ आर्थिक मदद के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो जब भी कोई देश क्राइसिस में आता है तो आईएमएफ के पास जाता है। तो हम लोग भी आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ की खास बात क्या है कि लोन जरूर देता है, लेकिन ये लोन के साथ कुछ कंडीशन रखता है। और उन्होंने कंडीशन रखा, और आप ये भी जान रहे हैं कि जब कंडीशन खराब हो तो हमारे कंडीशन को मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे कुछ कंडीशन है, यदि आप वो मानेंगे तो हम लोन देंगे। हमने कहा कि आपकी हर कंडीशन मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज बना लिया,
इंपोर्ट तो कर रहे हैं फिर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ भी करिए, आवाज़ को फिर कुछ नहीं, अब तो कोई कमेंट नहीं है ना, आप कुछ भी करिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन बनाइए, खुली अर्थव्यवस्था, और खुली अर्थव्यवस्था को सामान्य बोलचाल में बच्चों कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जैसे क्लोज का मतलब हुआ जब एक देश अपनी जरूरत को खुद ही पूरा करता हो, दूसरे देश से कोई संबंध ना रखता हो, तो ऐसे देश को बच्चों हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि जब हम अपनी देश की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देश से और दूसरे देश से अपने देश से करते हो, जैसे आज का लोर है, ऐसा बोलते हैं जब विश्व गांव की तरीके से बन जाए, तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या लिख रहा है बच्चा, इकोनॉमी से सुधार बीच में बंद क्यों होगा मेरे भाई, आप लोग पैसे दे के आ रहे हो और कमिटमेंट के साथ काम करता हूं मैं, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, और चीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ें, हम और पढ़ाएं, मेरा मानना है कि हम टीचर एक दीपक की तरीके से हैं, तो मैं और ज़्यादा उसमें जलना चाहता हूं, तो ये टेंशन हटा दो कि बीच में बंद हो जाएगा क्या, नहीं 3 दिन तो हम आपके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमने कहा कि वो इकोनॉमी को ओपन करिए, और एज IMF और भारत सरकार ने मान लिया, और आज हमारी इकोनॉमी ओपन है, कब हुई कैसे हुई हम कैसे ये तो बता रहे हैं, कब हुई बताएंगे अभी। दूसरा इन्होंने कहा कि सारा कुछ आपने अपने पास रखा है तो प्राइवेट करिए, प्राइवेट को प्रमोट करिए, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में प्राइवेट के लिए ओपन किया जाए। और तीसरा इन्होंने कहा कि आप हर चीज़ के लिए लाइसेंस मांगते, तो कुछ भी करिए, अपनी पॉलिसी को लिबरल करिए, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है इजी गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की आसान नीतियों को फॉलो करना, यानी दुकान खोलने के लिए हर बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, टैक्सेशन में हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसी कई सारी बातें आती हैं लिबरलाइजेशन में। इन्हीं तीन को हमने सुना होगा LPG पॉलिसी, तो 3-4 क्वेश्चन हो गया, LPG का फुल फॉर्म क्या हो गया, LPG कब आया वो हम बताएंगे, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है तो प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ओपन इकोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था खोलना, और लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकार की आसान नीति, इजी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये तो हमने बताया बच्चों कि ये कब हुआ, तो 1991 के बाद हुआ होगा, और ये किसके सहयोग से हुआ, तो IMF के सहयोग से हुआ। ये पॉलिसी बच्चों हम लोग लेके आए हैं 1991 में, 24 जुलाई 1991। और बच्चों 24 जुलाई 1991 को देश में एक नई पॉलिसी आई, और हमने क्या किया, 8 इंडस्ट्री को सरकार के पास रखा, और बाकी जितनी थी वो सभी का सभी वो हमने दे दिया प्राइवेट को, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम भी आएंगे, इसलिए देखिए भी लगभग हर सेक्टर में गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है। और लाइसेंसिंग में सिर्फ हमने 18 इंडस्ट्री अपने पास रखे, 18 उद्योगों को। और बच्चों आज 11 जुलाई 2019 में 2 इंडस्ट्री सरकार ने अपने पास रखी है, बाकी सारा दे दिया प्राइवेट को, और साथ में गवर्नमेंट भी आ सकती है, और लाइसेंसिंग में हमने 5 इंडस्ट्री रखी हुई। ये हमारे काम का क्वेश्चन है कि 2 इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं,
तो बच्चों एक दो इंडस्ट्री में, एक है रेलवे, आजकल इस पर भी चर्चा चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेलवे और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट है प्रोडक्शन के लिए, प्राइवेट को अलाउ नहीं किया गया, बाकी हर सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चल रहे हैं। और बच्चों लाइसेंसिंग में जो पांच हैं, तो इसमें है टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट सिगार गुटखा, इस तरह की चीज़ें, दूसरा है अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अल्कोहलिक उत्पाद, तीसरा है डिफेंस प्रोडक्ट, रक्षा उत्पाद, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, इस तरह की चीज़ें। आपको बताओ प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, टाटा रिलायंस जैसी, बात कर लो क्लास में। और चौथा है हार्मफुल केमिकल्स, खतरनाक रसायन, और बच्चों पांचवा है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, औद्योगिक विस्फोटक। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन हो गए कि आज के डेट में कितनी इंडस्ट्री, तो दो हैं जो गवर्नमेंट के रिजर्व है और लाइसेंस के लिए पांच, तो हमने कहा तंबाकू उत्पाद, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, अल्कोहल उत्पाद, डिफेंस प्रोडक्ट, रक्षा उत्पाद, खतरनाक रसायन और औद्योगिक विस्फोटक, जैसे TNT, TNG, RDX, इस तरीके की चीज़ों को। तो ये हमने शुरुआत से दिखाया कि कैसे देश चला था और कैसे कहाँ तक पहुँचा है, और आज सिनेरियो ये है कि भारत मिक्स जरूर है, लेकिन आज ज़्यादा झुकाव हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ है। CDS का आया हुआ क्वेश्चन है कि पहले की इकोनॉमी में और अब की इकोनॉमी में क्या डिफरेंस आया है। अब थोड़ा यहाँ पे बच्चों हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में सीखना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, औद्योगिक नीति 1991, तो ये पॉलिसी आई थी 24 जुलाई 1991 बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के। दिस पॉलिसी इज नोन एज LPG पॉलिसी, इस नीति को LPG नीति कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा, दिस पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। तीसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, आर्थिक सुधार नीति। तो हमने कहा तीन नामों से LPG पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक सुधार नीति, और एक चौथा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, दिस पॉलिसी इज नोन एज राव मनमोहन पॉलिसी। कुशलता इस समय PM कौन था, तो PV नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये UPPCS से लेकर के CDS तक में पूछ चुका है। अब यहाँ से लास्ट ईयर CPO का क्वेश्चन है कि 1991 में क्या नहीं किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। तो हमने कहा कि तीन चीज़ें की गई, उसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में हो तो वो नहीं किया गया होगा। तो ये बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा था कि इकोनॉमिक्स क्या था, क्यों था, कैसे था। अब आज के बाद जो भी अगली क्लास होगी उससे हम प्रॉपर टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास का PDF हम आपको एक दो दिन में अपलोड कर देंगे, हो सकता है आज ही कर दें, हो सकता है कल कर दें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे, और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, इसमें जो बजट में चेंज आया वो भी देखेंगे, और सिस्टम से हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने जो डेमो क्लास के रूप में हमने बनाई थी उसमें इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, हमने लिख दिया था, और कोशिश करेंगे उसमें जो हमने क्रम लिखा है उसी को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास यानी परसों हम टेक्स्ट चैप्टर से, और
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट हो, कोई क्वारीज हो तो आप पूछ लें हमसे। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे क्लास ठीक लगी होगी, मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, मेरी क्लास की एक दिक्कत है, ये एज ए कमज़ोर स्टूडेंट आप अब नहीं समझ सकते हैं मुझे, यहाँ दो तीन क्लासेस के बाद आपको मज़ा आने लगता है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो क्लास होगी बच्चे आपके साथ TTS हुआ करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और साइंस की क्लास हम क्या करेंगे, MWF और GSS स्पेशल बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम कोई अलग टाइमिंग और बना करके उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम सैटरडे को मिलेंगे आपसे, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपके जो डाउट होंगे आप डिस्कस करेंगे, आप नहीं भी करेंगे तो भी वो मैं कर लूँगा क्वेश्चन दे करके और आपसे डायरेक्ट पूछ करके। और कोई क्वेश्चन हो? नहीं तो चलें दोस्तों, ढेर सारा धन्यवाद मुझ पर विश्वास करने के लिए और 1.5 घंटे बेहतर पढ़ाई करने के लिए। और उम्मीद करिए कि आप जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा मेहनत मैं आपके साथ करूँगा, आपको मज़ा आने वाला है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि GS में भी आप अच्छा कर सकते हैं, बस आपको दो तीन चीज़ें अपनानी होंगी।